न्यायधानी बिलासपुर में छत्तीसगढ़ी व्यंजन मेला के हुआ थे आयोजन, देखो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज के द्वारा व्यंजन मेला के आयोजन मिशन स्कूल ग्राउंड में करे गए। इस संगठन में जुड़े महिला मन बताएं कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन मन नंदावत जाती, जेकर सेती ए मेला के माध्यम ले हमन व्यंजन के प्रचार करत हन। अलग अलग स्टॉल लगा के छत्तीसगढ़ी व्यंजन मेला के आयोजन करे गई, जिन में छत्तीसगढ़ के आनी बानी के व्यंजन मन के प्रदर्शनी और बिक्री करे गई। सबके बहुत बहुत धन्यवाद, काबर के आज बिलासपुर में हमार प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज की ओर से छत्तीसगढ़ी व्यंजन मेला के आयोजन किए गए हैं। ये छत्तीसगढ़ी व्यंजन मेला के आयोजन की जरूरत क्या पड़ी, एक ऊपर थोड़ा सा मैं प्रकाश डाले बर चाहूँ। काबर की आज छत्तीसगढ़ी के परंपरावादी जो खान पान पकवान है वो नंदावत जात है। आज कोई भी आदमी कोई भी लड़का देख लो तो पिज्ज़ा बर्गर और एला बढ़िया खाई चाव ले लेके चाउमीन और तुम्हार नूडल्स फूडल, लेकिन छत्तीसगढ़िया मन भी अपन घर में छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाए में अस्कटार थे, तो ये वापस फिर से पुनः स्थापित करे पर हमार पूरा बहनी मन बीड़ा उठाए है, बिलासपुर के बहनी मन खासकर, कि हम छत्तीसगढ़ी व्यंजन ला कैसे घर घर पहुँचावन। छत्तीसगढ़ी व्यंजन के प्रचार और प्रसार के मतलब है कि ये छत्तीसगढ़ी व्यंजन घर घर पहुँचे, बहुत सस्ता सुला बहुत पौष्टिक होते हैं। आज बच्चा मन पिज्जा बर्गर एकर तरफ जाते तो हमारे जो चावल के व्यंजन है या हम जो भी अपन व्यंजन मथन वो बहुत पौष्टिक होते, जो शरीर पर बहुत अच्छा होते, बस अद के कहना चाहूँगा। बिलासपुर ले डिजिटल रिपोर्टर नीरज देवांगन के रिपोर्ट।